कैरेक्टर रिएक्शन आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है इसको समझेंगे आप, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सोडियम सॉल्ट होगा, उनको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ गर्म करेंगे। मैं यहां पर बोल रहा हूं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, इसको बोला जाता है सोडा लाइम। सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इनको लगभग गर्म करेंगे 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके साथ रिएक्शन करेगी NaOH। इनका रिएक्शन कितना आसान होता है, देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये पूरा पार्ट जो है इनके साथ Na2COOO यानी कि Na2CO3 बन जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है R और ये H निकल जाएगा RH के रूप में, ये है एल्केन। तो इस तरह से बनता है एल्केन। हम इनके कुछ एग्जांपल करके देख सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहली बात बताया मैंने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट को हमने सोडा लाइम के साथ गर्म किया है, तो क्या मिला हमें, एल्केन। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, यदि आपको मीथेन बनाना है तो क्या करेंगे, इस जगह पर CH3 होना चाहिए, एच लगेगा CH4 हो जाएगा CH4, तो कैसे होगा, CH3COONA सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ आप गर्म कर रहे हैं, इसमें क्या है NaOH, कितने गर्म करने के लिए बोला था मैंने 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस, मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, इनकी रिएक्शन इनके साथ हुई तो क्या बन गया Na2CO3 प्लस क्या बच गया CH3 और H यानी कि CH4 मीथेन, इस तरह से मीथेन बन गया। अब आप ये सोचो कि अगर आपको इथेन बनाना है तो क्या करेंगे, अगर आपको बेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, C6H6 बनाना है तो क्या करेंगे, काफी आसान होगा, क्या ये C6H6 बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं इस जगह पे, इसकी जगह पे आप बना सकते हो टॉलविन, बना सकते हो C6H5CH3, ये बनाना है तो क्या करेंगे, आप समझते हो कि H को हटा दो और बाकी चीजों को सोच लो, क्या है C2H5COONA के साथ, नीचे वाला क्या है C6H5COONA सोडियम बेंजोएट कहलाती है, यह सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट को बिल्कुल वही काम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा टॉलविन, इसको टॉलविन बोलते हैं, ये क्या चीज है सोडियम बेंजोएट, आप ये रिएक्शन करके देख सकते हो। आपको एक मजेदार बात बताना चाहूंगा, यहां पर इस रिएक्शन में ये दोनों चीजें क्यों लिया जाता है, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस जगह पर रिएक्टेंट का काम करेगा, अभिकर्मक का काम करेगा, लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि ये पानी सोखता है एनवायरमेंट से, वाटर पानी सोख लेगा, सो इस क्या हो जाएगा, ये गीला होने लगेगा, सो इससे बचने के लिए इसमें मिला दिया जाता है लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको गीला नहीं होने देता है, सूखा रखता है, यानी कि ये रिएक्शन जो है सूखे वातावरण में होगा, ये एक सॉल्ट, ये एक सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन में, ये सॉलिड है पर ये गैस है,
तो हम एल्केन बनाने की एक विधि है जो डीकार्बोक्सिलेशन या इसको कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या बनाने के लिए? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ जरा समझो कि इस जगह पर कार्बोक्सिलिक समूह का हटना होता है। अब एक जरूरी बात बताता हूं, इसको समझेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH में से CO2 निकल गया है, यही प्रोसेस हो रहा है। ये जो रिएक्शन हो रही है सोडियम सॉल्ट लेकर के हम करा रहे हैं। यहां पर सोडियम सॉल्ट ना लें तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होने वाला है। RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ सबसे पहले होगा तो क्या बनेगा? OHH, ये वाटर निकल गया बन गया। फिर अब क्या करेंगे, ये जो पार्ट है Na के साथ आ गया RCOONa, सोडियम सॉल्ट बन गया। ये सोडियम सॉल्ट बना है वो अगला स्टेप में ये रिएक्शन कर जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और ये रिएक्शन कराएंगे तो भी होगा, परंतु इसमें नमी आ जाएगी, गीला हो जाएगा, इसलिए इसको रोकने के लिए यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड मिला जाता है। यानी पूरा का पूरा ऐसा यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो रिएक्शन, लेकिन अगर इस तरह से करते हो, ये लेकर के इसका सॉलिड लेकर के रिएक्शन कराते हो तो ज्यादा अच्छा प्रमाण मिलेगा और अच्छे से आपको एल्केन प्राप्त होगा। तो चलिए, ये रिएक्शन हुआ डीकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। अब इस रिएक्शन को समझ सकते हैं क्या है। आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन क्या है। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? ये भी एल्केन बनाने की एक मेथड है। ध्यान रखिएगा, जो भी अभी रिएक्शन बताया जा रहा है 11th और 12th दोनों में कॉमन है, दोनों में इंपॉर्टेंट है। चलें, रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, एकदम सिंपल मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद इनके डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको, फिर ये काफी आसान हो जाएगा। जरा समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले सकते हो, इनका जली विलयन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें काफी मात्रा में पानी भी होगा। अब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, आपको पता होगा कि किसी वेसल में, किसी पात्र में जिस पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है उन्हें हम ले लेते हैं, उसका सॉल्यूशन, जैसे हमने इसमें लिया है RCOONa का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, AQ लिख देता हूं, यानी जली विलयन। इसमें आप विद्युत अपघटन करा रहे हो, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है मान लेते हैं, हमने इसमें विद्युत धारा कुछ इस तरह से प्रवाहित करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें क्या होगा ये आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो रिएक्शन को एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद, जरूरी नहीं है आप पूरे मैकेनिज्म के साथ बता सकते हो, पर आपको जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, दो बार बताऊंगा इस रिएक्शन को। देखें RCOO और ये, यहां पर देखो Na जो है पानी का OH लेकर के बना लेगा NaOH, देख रहे हैं। दूसरी बात है, जो H बच गया है वो अलग हो जाएगा H के रूप में, सो HH एटम मिल करके H2 बनाती, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2, डाई एटॉमिक होता है हाइड्रोजन। तो ये दो बार हो गया, सो आपको ये दो बार लेना पड़ेगा, तो दो पानी हो गया, तो दो बार OH भी हो गया, तो ये दो बार Na भी हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर दो NaOH बनेगा। अब आपके पास बच गया, उस पर ध्यान दीजिएगा, इतना पार्ट बचा हुआ है, इसमें से ये वाला पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में निकल जाती है, CO2 दो बार है वो, इसलिए 2CO2, R दो ठो बचा हुआ, दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे R2 के रूप में, इस तरह से बन गया एल्केन। ये जो फिगर है इसके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, पहले आप इसको समझें, ऐसा कुछ हुआ है, Na पॉजिटिव है Na प्लस के रूप में, और इधर का ये वाला पार्ट है नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव होने की वजह से Na उसकी तरफ जाएगा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि इस जगह पर, तो इस जगह पर बनने वाला है ये दोनों,
क्योंकि वहीं पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन भी बन रहा है, तो इस जगह पर NaOH का सॉल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो मतलब ये है Na किस तरफ चला गया, ये पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहां पर कैथोड कहलाएगा, कैथोड है, तो ये कैथोड पर बना। फिर बाकी जो ये वाला पार्ट नेगेटिव है सो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एल्केन बनेगा एनोड पर। तो कौन सी चीजें कहां पर बन रही है ये भी आपको समझ में आती है। अब सारे बातों को हम एक एक करके लेंगे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं चलिए, फिर उसके बाद इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दूंगा मैं आपको। सिंपल होता है इसका मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इजी होता है, इनको समझने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। समझे, एक रिएक्शन एग्जांपल दे दूं, अगर मैंने मेरे पास है CH3COONa या K, सोडियम सॉल्ट हो या पोटेशियम सॉल्ट चलेगा, इनको पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या होगा, मैंने बताया था NaOH के साथ मिल जाएगा, तो क्या बन गया NaOH प्लस बच गया H, ये वाली H H2 के रूप में रहता है तो मैंने 2 कर दिया, H2 दो बार OH था इसका तो दो बार हो गया, और इस तरह से Na को भी दो बार करना पड़ गया। सो यहां पर बच गया है COO यानी कि दो बार CO2 प्लस बच गया है CH3, दो बार बचा हुआ है, दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से CH3CH3 यानी कि C2H6 यानी कि ईथेन। इस तरह से आप दूसरी तरह के एल्केन बना सकते हो। आप इस मेथड में आप देखोगे कि आप मीथेन नहीं बना सकते, जो भी यहां पर इस तरफ जो कार्बन होगा COO से पहले उस कार्बन का दुगुना हो जाएगा, तो इस तरह से हम यहां पर बनाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं इसका रिएक्शन कैसे संभव हो पाती है, ये मैं आपको बताता हूं, इसी को लेकर के मैं बताऊंगा, यहां पर CH3 या C2H5 इस तरह लगा के नहीं बताऊंगा। तो चलो देखें इसमें क्या होगा, देखें मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म बहुत आसान होते हैं। सबसे पहली बात है, जो भी आपने पदार्थ का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उसको आप क्या करेंगे, उनको लेंगे पानी में घोलेंगे तो आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होगा, आयनन जिसको बोलते हैं, टूटना, आयनों में टूटना, RCOONa टूट जाएगा RCOO- और Na+ में। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, तो एट एनोड, एनोड की तरफ क्या रिएक्शन होगा, एनोड यहां पर पॉजिटिव बताया था मैंने, तो इसके तरफ आती है RCOO-, इसके पास नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रोड को, यानी कि अलग हो गया, बच गया RCOO-, फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल अस्थाई होगा, RCOO यानी कि इसकी एक वैलेंसी बची समझ लो, अगर आप फ्री रेडिकल के बारे में नहीं जानते हो तो इसमें एक वैलेंसी बची समझ लो, और फ्री रेडिकल अगर आपको समझना है यानी कि मुक्त मूलक समझना है तो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 देखें, ये जो क्लास जो चल रहा है चैप्टर नंबर 13 है 11th वाले बच्चों के लिए, चैप्टर नंबर 13 है 11th वाले बच्चों के लिए, कौन सा चैप्टर नंबर 13 है ये, जबकि आपको 12 देखने के लिए बोल रहा हूं मैं, और आपको बता दें क्लास 12th में भी ये है, ये चैप्टर नंबर उसमें भी 13 में आएगा, दोनों में 11th और 12th दोनों में ध्यान रखें, तो ये दोनों में 11th और 12th में दोनों में कॉमन है क्वेश्चन ये रिएक्शन। सर जरा देखें यहां पे, ये टूट जाएगा CO2 तब बच गया R, R की अपनी एक वैलेंसी बची हुई है, इस तरह से ये फ्री रेडिकल बना, दो R फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के बना लेगा R2 टू टाइम्स, यानी कि हमने 2 2 कर देते हैं इस तरह से, ये भी 2, क्यों, क्योंकि ये 2 कहां से आया, ये 2 होने पर आया, ये 2 कहां से आया, इसके 2 होने पर, और ये पूरे रिएक्शन दो बार होगा, ये 2 बार है
क्योंकि हमने दो को यहां पे रिएक्शन करना है. तो चलिए एक सब अलग अलग बातें, यहां पर बचा है आपके पास Na टू टाइम्स एट कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती है Na प्लस, इनको इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये बन जाएगा Na, Na मेटल. सोडियम मेटल की रिएक्शन आप जानते हो कि पानी में बड़ी आसानी से करता है और वो OH लेकर के बना लेगा Na OH प्लस बच गया H, H H अकेला नहीं रह सकता है, H2 के रूप में होगा, सो ये H2 गैस बन के निकल गया. सो हमने 2 2 2 into 2, इस तरह से ये रिएक्शन है. आपको अगर ये रिएक्शन समझ में नहीं आया होगा तो मैं थोड़ा सा इतनी बात कह दूं कि इस वीडियो को दोबारा आप करिए, दो बार से तीन बार करिए और प्रैक्टिस करिए कि क्या क्या हुआ है. और इलेक्ट्रोलाइसिस को समझना है तो रिडॉक्स की क्लासेस मैंने दिए हैं, उनमें से आप जाकर के सीख सकते हैं. और सीखना चाहें तो 12th वाले बच्चे चैप्टर नंबर 3 में भी इलेक्ट्रोलाइसिस के मैंने काफी वीडियोस दिए हैं, उनमें जाकर के आप इलेक्ट्रोलाइसिस सीख सकते हैं. फिलहाल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, मैंने दो रिएक्शन आज आपको दिए हैं. अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्त को भी ये क्वेश्चन की इस रिएक्शन की जरूरत है. और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, ताकि आगे भी आप इस रिएक्शन के सीरीज में जा सकते हैं. और एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो इस पार्ट के पहले वीडियो देखते हुए चलिए. इसके जो हमने यहां पर प्लेलिस्ट बनाया है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखा होगा प्लेलिस्ट, उनको जरूर देखिए. उनमें आप जीरो से, अगर आप आ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जीरो से आपको सीखने का मौका मिलेगा. तो आपको बेसिक से सीखना है तो आपको इस प्लेलिस्ट के शुरुआत से सारे वीडियोस देखने होंगे. तो आज की क्लास यहां पे समाप्त करते हैं. नमस्कार. हेलो बच्चों, मैं विक्रम सिंह. अब पढ़ाई का समय आ चुका है, जितनी भी खेलना कूदना जितना भी था वो सबका टाइम निकल चुका है, क्योंकि अब ये समझे कि आपके एग्जाम बहुत कम टाइम बचा हुआ है और पढ़ाई को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तब अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे. तो आपको मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अब भिड़ जाइए अपनी पढ़ाई में, अच्छे से तैयारी में, एक एक क्वेश्चंस, एक एक प्रॉब्लम्स, एक एक टॉपिक सबको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम ये बोल के नहीं आता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ये वाला नहीं आएगा. इंपॉर्टेंट नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं. बस समझो, किसी कॉन्सेप्ट को यदि आप सही तरह से समझोगे तो बहुत ही बेहतर तरह से आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि एक एग्जाम क्रॉस करना हमारी पढ़ाई नहीं होती है. एजुकेशन का सिस्टम ये कहता है, 11th और 12th की पढ़ाई ये कहती है कि जो 11th और 12th में पढ़ते हैं वही आगे जाकर के आपके फ्यूचर में काम आते हैं, और 11th और 12th के एग्जाम में तो काम आते ही हैं. हमारे एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है और अब समय आ गया है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे से उन्हें समझ सकें. मैंने ऑनलाइन कोर्सेस लाए हैं केमिस्ट्री के लिए विद्याकुल.com में. यहां पर आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट, एमसीक्यूज और टेस्ट होगा. ये सब कुछ आपको मिलेगा विद्याकुल.com में. हमने और हमारे टीम ने आपके लिए बहुत अच्छे से कोर्सेज तैयार किए हैं और हम इसमें इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से मिल सके और हर एक टॉपिक आपको समझा सके. तो बच्चों विद्याकुल.com में आ जाइए, वहां पर हमारे सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे. ऑल द बेस्ट.